और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां बहोड़ापुर थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार ने मुहर्रम के जुलूस में जमकर ढोल बजाया है। सबसे अहम बात यह है कि थाना प्रभारी उस वक्त वर्दी में थे और ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ड्यूटी छोड़कर ढोल थाम लिया और उसे जमकर बजाया भी। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के आला अधिकारियों तक भी यह वीडियो पहुंचा था। हालांकि उनका कहना है कि अभी इसे लेकर उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है, अगर शिकायत आती है तो देखेंगे कि क्या कार्यवाही करनी है। दरअसल शुक्रवार रात मुस्लिम समाज ने शहर में मुहर्रम का जुलूस निकाला था। एसपी अमित सांगे के निर्देश थे कि इस दौरान सुरक्षा के लिहाजा से भी शहर के सभी थाना प्रभारी ड्यूटी पर रहे। बहोड़ापुर थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार भी अपने पुलिस थाने के बल के साथ जुलूस में निकले थे। इसी बीच ढोल और ताशों की आवाज में थाना प्रभारी इतने मग्न हो गए कि ड्यूटी छोड़कर उन्होंने ढोल थाम लिया और दोनों हाथों में डंडा लेकर उसे बजाना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी ढोल बजाने की मस्ती में इतने खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वह ड्यूटी पर हैं और वर्दी पहने हुए हैं। थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार जब मुहर्रम के जुलूस में ढोल बजा रहे थे, तब जुलूस में शामिल लोगों ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में जब पुलिस अधीक्षक अमित सांगी से बात की तो उन्होंने कहा कि बहोड़ापुर थाना प्रभारी का ढोल बजाते वीडियो सामने आया है, अगर कोई शिकायत करता है तो फिर देखा जाएगा क्या कार्यवाही करनी है।